ज्ञात हो कि कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी कि बाल सुधार गृह से 3 विधि संघर्षित बालक फरार हुए हैं, जिसके बाद एक नाबालिग को यूनिट 3 की टीम ने धर दबोचा, किंतु शेष 2 नाबालिगों ने स्थानीय क्षेत्र में उदम बचा रखा था, जो पाचपौली अंतर्गत सेनमारी में दोषी पाए गए हैं और फिलहाल पुलिस हिरासत में है। दरअसल दिनांक 27 जून को रात 10 बजे के करीब पाचपौली अंतर्गत आने वाले सिद्धार्थनगर क्षेत्र से एक सेनमारी की वारदात सामने आई, जहां सिद्धार्थनगर टीका निवासी 42 वर्षीय शेख अनीस शेख रसीद के घर से 5,51,000 का मुद्देमाल चुराया गया था। दरअसल शेख अनीस शेख रसीद 21 जून को शाम 4 बजे अपने दोस्त इकराम खान के घर मेरठ उत्तर प्रदेश गए हुए थे, जहां वह पूरी सुरक्षा के साथ रवाना हुए, किंतु जब घटना की रात 10 बजे वह घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और सामान तहस नहस हो चुका है, और जब उन्होंने अलमारी आदि की खोज की तो वहां से लाखों का मुद्देमाल सोना चांदी आदि गायब था, जो करीब 5,51,000 का मुद्देमाल बताया गया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए फिरियादी ने पाचपौली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने खोजबीन की शुरुआत की और कार्यवाही के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि बाल सुधार गृह सिभा के दोनों विधि संघर्षित बालक पैसों आदि की चोरी कर रहे और इसको आराम फरमा रहे हैं, जिसके चलते पाचपौली पुलिस मामले की जांच के लिए एक्टिव हो गई। उसी बीच दोनों नाबालिग आरोपियों को दिनांक 3 जुलाई को इमामपाड़ा पुलिस थाना के क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि यह दोनों विधि संघर्षित बालक भागने के बाद भी चोरी सेंधमारी आदि गुनाहों को अंजाम दे रही थी। उसी बीच उन्होंने इमामपाड़ा पाचपौली सक्करदरा आदि संभागों में भी गुनाहों को अंजाम दिया था। बहरहाल जब इन दोनों नाबालिगों को पकड़ा गया तो जांच के दौरान पता चला कि यह दोनों चोरी के बाद सोना चांदी आदि 19 वर्षीय पीयूष साहू और 48 वर्षीय सुनील साहू के पास रखते थे, जिसके चलते दोनों पर गुनाह दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जाँच पुलिस कर रही है। इन आरोपियों के पास से लगभग 4,85,200 रुपए का मुद्देमाल हासिल किया गया है, जिसकी जानकारी पाचपौली के पुलिस उपनिरीक्षक सुनील तिड़के ने दी है। आपल्या इथे पोलीस ठाण्यात 27/6/2024 ला FIR दाखल झालेली आहे। टेका नई वस्ती येथे फिर्यादी नामे शेख आणि शेख रशीद यांच्या घरी सोनं चोरी झाल्याची एक प्रथम खबर मिळाली होती, त्यानुसार आपण FIR दाखल केली। FIR दाखल केल्यानंतर स्वतः आम्ही तपास हाती घेतला, तपास सुरू केला। माननीय DCP साहेब, माननीय SCP साहेब, माननीय उपनी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जसे DB प्रमुख सोमवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची DB जी टीम आहे, DB टीम प्रमुख आहेत ज्ञानेश्वर भोगे व त्यांच्यासोबत जे स्टाफ आहे इम्रान शेख, रोमेश मेनेवार, राहुल चिकटे, गणेश यादव, संतोष शेंद्रे, महेंद्र शेलोकर, निशा राऊत यांनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण तिथे आजूबाजूचे CCTV फुटेज चेक केले व गुप्त मार्फत माहिती मिळाली की सदर इसम हे इमामवाडा परिसरात वावरत आहेत। त्यांचा शोध घेतला व आपण त्याच्यातील 2 विधी संघर्ष बालक मिळून आले व त्यांच्या मार्फत दुसरे 2 एक आरोपी भेटून आले व त्यांच्याकडून आपण मुद्देमाल काही मुद्देमाल जप्त केला। तर त्याच्यात एक आपला आरोपी अजून फरार आहे, सध्या जप्त मुद्देमाल आहे आपल्याकडे 4,85,000, त्यामध्ये 2 बाईक आहेत, त्या 2 बाईक हे दुसऱ्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये, एक इमामवाडा एक सक्करदरा हद्दीमध्ये चोरी केल्याचे हे 2 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत व पुढील अजून तपास चालू आहे। दोन्ही बालिक व नाबालिक दोन्ही आरोपीवर रेकॉर्ड आहे, सराईत गुन्हेगार आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।